थग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ आमिर पर होगी पैसों की बरसात। आप जानना चाहते हैं कि आखिर थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आमिर यशराज फिल्म से आखिर कितनी फीस चार्ज करने वाले हैं? तो सुनिए, हम आपको देते हैं एक सॉलिड अंदाजा। आमिर खान थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए यशराज फिल्म से ले सकते हैं करीब 700 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक फिल्म के लिए आमिर यशराज से लेंगे पूरे 700 करोड़। अब आमिर की इतनी तगड़ी फीस का रीजन भी सुन लीजिए। दरअसल आमिर खान थग्स ऑफ हिंदुस्तान में फिल्म का प्रॉफिट शेयर लेने जा रहे हैं और फिल्म में आमिर का प्रॉफिट शेयर है 70%। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का प्रोडक्शन हाउस फिल्म के मुनाफे का सिर्फ 30% हिस्सा रखने पर मान गया है। जाहिर तौर पर ये आमिर खान की एक बड़ी डील है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि आमिर अपने आप में इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल ने बाहुबली को भी पछाड़ दिया है। आमिर खान की दंगल अकेले चाइना में 1000 करोड़ कमा चुकी है। बॉलीवुड में आमिर की ब्रांड वैल्यू इस वक्त सलमान और शाहरुख से भी ज्यादा आंकी जा रही है। फिल्म में आमिर के होने का मतलब फिल्म के श्योर शॉट मेगा हिट होने की बड़ी गारंटी हो सकती है। लिहाजा प्रोडक्शन हाउस आमिर खान की हर बात मानने को तैयार है। तो इस लिहाज से अगर थग्स ऑफ हिंदुस्तान 1000 करोड़ का बिजनेस भी करती है, तो 70% के पार्टनर होने की वजह से आमिर खान का हिस्सा 700 करोड़ होना तय है। और पैसों के महासमंदर के बारे में सुनकर ही लगता है कि वाकई बॉलीवुड अब कमाई का खजाना बन चुका है और आमिर खान इस खजाने के सबसे बड़े पायरेट। वेल प्लेड आमिर। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।